14 तारीख को 11 के दिन पशु पर्दियों का की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंदर सुबह 5 से 9 बजे मूल प्रतियोगिता मेला ग्राउंड में की जाएगी, जो कि हमारे इस कार्यालय के सामने जो राजकीय मेला ग्राउंड है वहाँ पर की जाएगी। पुष्कर बहुदिवसीय हाट 2021 में 14 से 17 नवंबर तक पशु प्रतियोगिता के आयोजन, ऊंट, अश्व, संकर पशु, गिर पशु और सर्वश्रेष्ठ पशु प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे पशुपालक। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. प्रफुल्ल माथुर ने बताया कि विभाग द्वारा पुष्कर बहुदिवसीय हाट 2021 के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली विभिन्न पशु प्रतियोगिताओं का दिन व समय घोषित कर दिया गया है। माथुर ने बताया कि पशु प्रतियोगिता के अंतर्गत 14 नवंबर को 11 पड़ रही है। 14 नवंबर को प्रातः 9 बजे से ऊंट प्रतियोगिता होगी, वहीं 14 नवंबर की शाम 6 बजे झरण, 15 नवंबर को प्रातः 6 बजे प्रथम दोहन, प्रातः 9 बजे ही संकर पशु प्रतियोगिता, दोपहर 2 बजे गिर पशु प्रतियोगिता और शाम 6 बजे द्वितीय दोहन होगा। 16 नवंबर को प्रातः 6 बजे तृतीय दोहन होगा। 16 को ही प्रातः 9 बजे से नरवंश की अश्व प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसी तरह 17 नवंबर को प्रातः 9 बजे मादा वंश की अश्व प्रतियोगिता और दोपहर 2 बजे सर्वश्रेष्ठ पशु प्रतियोगिता का आयोजन होगा। पालकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उनसे हमारी विभागीय नियमावली और पशुपालकों के जो सुझाव थे वो आमंत्रित किए थे, उनको हमने हमारे विभाग के नियमों से अवगत करा दिए हैं। इस संबंध में अब आगामी 14 तारीख को 11 के दिन पशु प्रतियोगिता की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंदर सुबह 5 से 9 बजे मूल प्रतियोगिता मेला ग्राउंड में की जाएगी, जो कि हमारे इस कार्यालय के सामने जो राजकीय मेला ग्राउंड है वहाँ पर की जाएगी, और 14 तारीख की शाम से गौ वंश की प्रतियोगिता की जाएगी, जिसको मिल्किंग मतलब फर्स्ट मिल्किंग जरण कहते हैं, जरण प्रतियोगिता गिर शंकर पशु प्रतियोगिता का जो स्थान है वहीं की जाएगी। 15 तारीख की सुबह प्रथम दोहन किया जाएगा, 15 तारीख की शाम को द्वितीय दोहन किया जाएगा और 16 तारीख की सुबह तृतीय दोहन किया जाएगा। इस हिसाब से जब तीनों की मिल्किंग हो जाएगी तो उसमें जो एवरेज बेस्ट आएगा उसको हम दूध प्रतियोगिता का पुरस्कार देंगे। 15 तारीख के सुबह 9 बजे हम संकर पशु प्रतियोगिता करेंगे मेला गिर प्रदर्शन स्थल पर, और दोपहर 2 बजे गिर पशु की प्रतियोगिता की जाएगी गिर प्रदर्शन स्थल पर।